So today I'm driving Kia Carens 6-speed automatic luxury plus टॉप एंड वेरियंट. ये डी सी टी में भी आता है, बट दिस इज वो 7 DCT होता है, ये 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है. अब इसको ड्राइव करेंगे और इसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा. स्टार्ट करते हैं. और 115 PS की इसके अंदर पावर होती है और जो टॉर्क है 250 Nm, 195 mm ग्राउंड क्लियरेंस, 216 बूट स्पेस. अब ड्राइव करके चूंकि मैं बता रहा हूँ तो इस रो से सिर्फ फ्रंट रो की ही बात होगी, यानी स्टीयरिंग गियर और क्लच तो है नहीं क्योंकि इट्स एन ऑटोमेटिक वेरियंट. इन सब के बारे में बात करेंगे. अभी जहाँ तक गाड़ी स्टार्ट है स्टेयरिंग बहुत लाइट है, मतलब सिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल खड़ी गाड़ी है. थोड़ा बहुत चला के भी मैं बताऊँगा. इसमें 3 मोड आते हैं, आप मोड यहाँ से चेंज कर सकते हो. अभी स्पोर्ट्स, इको, नॉर्मल, ठीक है. अभी इको में इसे रखेंगे एंड विल चेंज इट टू स्पोर्ट्स मोड ऑन हाईवे. तो अब चलाते हैं एंड ड्राइव मोड में, ठीक है. कोई वाइब्रेशंस कुछ नहीं मिलेंगे, बहुत लाइट स्टेयरिंग. अब ये देखना कि हाई स्पीड पर जब इसे लेकर जाते हैं तो कितना कुछ स्टेयरिंग इसका जो हैवी होगा. इंजन नॉइज़ अभी तक फिलहाल, मैं अभी कितना हूँ, 25 km/h की स्पीड पे हूँ, अभी तक कुछ भी नॉइज़ ज़्यादा नहीं है. मिरर्स काफ़ी अच्छे साइज़ के हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि गाड़ी के साइज़ के हिसाब से छोटे बड़े, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही परफेक्ट साइज़ के हैं. और विजिबिलिटी डैशबोर्ड से आगे कुछ नहीं दिखेगा, मतलब ये जो विंडशील्ड जो है इससे आगे कुछ भी नहीं दिखाई देगा. ये जो बॉर्डर है नीचे वाला, इससे आगे कुछ भी नहीं दिखाई देगा. बट इसका विंडशील्ड का एरिया बहुत ज़्यादा है, यानी लंबाई चौड़ाई अगर देखोगे तो वो काफी ज्यादा है, ठीक है. एक चीज है जो मैं नोटिस कर रहा हूं ड्राइविंग के टाइम पे, जो इसका ब्रेक पैडल और एक्सेलेटर पैडल है उनके बीच में गैप थोड़ा सा कम है. तो जैसे ब्रेक से अगर मैं एक्सेलेटर पैडल पर गया तो मुझे थोड़ा सा देख कर ले जाना पड़ा कि मेरा पैर क्यों अटक रहा है, मतलब मुझे इसके साथ अडेप्ट करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है. गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम मैनुअल वाले हैं, तो थोड़ा सा जो है एक्सेलेटर और इनके बीच में थोड़ा सा गैप कम है, जूता टकराएगा, चप्पलों में मत चलाना, ठीक है. एनविच लेवल की भी बात करेंगे, लेकिन इफ विल गो अबाउ 80 km/h. अभी तक गाड़ी बहुत स्मूथ है एंड यू कैन ड्राइव इट विद वन हैंड. 6-seater है फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी. हॉर्न ऐसे ही हैं, रेगुलर वही सोनेट सेल्टोस के अंदर जो भी आते हैं. ऑटो डिमिंग IRVM है और इसमें पूरा जो आपको रियर विंडशील्ड वो दिखाई देगा. और स्टेयरिंग फ्लैट बॉटम आता है. ऑटोमेटिक गियर्स की जो वाइब्रेशन उस चीज़ की तो बात कर ही नहीं सकते क्योंकि ऑटोमेटिक है, बार बार आपको शिफ्ट करना ही नहीं है. अब ब्रेक्स, हाँ इसके ज़रूर हम एक बार चेक करेंगे 80 km/h और 100 km/h के ऊपर अगर हाईवे मिल पाए तो. कंफर्ट इसका बहुत अच्छा है, मतलब जैसे ऑलमोस्ट जो नीज है उनके नीचे थाई सपोर्ट बहुत अच्छी है. ना ये है कि मेरे पैर बहुत ज़्यादा आगे निकले हुए, ऐसा नहीं है. और चूंकि टॉप मॉडल है तो फ्रंट सीट्स जो हैं एक वेंटिलेटेड इसके अंदर आती हैं और मैनुअली एडजस्टेबल इसके अंदर सीट्स आती हैं. अब इको मोड में है, अब इसको हम करेंगे नॉर्मल में. फिलहाल उसी थ्रॉटल रिस्पांस के साथ था, मैंने लीवर नहीं दबाया तो तुरंत नहीं फील हो रहा है. हाँ आप गई है, ये पट पट ये सोनेट में भी है. ब्रेक्स यहाँ तक बाइट अच्छा है, ये देखो साइड में बैठे हैं, हल्का सा भी लेते ब्रेक पैडल तो आई अज्यूम कि गाड़ी के ब्रेक्स बहुत अच्छे होंगे. कंट्रोल तो अच्छा है, बाकी अभी देखेंगे, ठीक है. सीधे चलना है ना, आगे आगे, ठीक है. राइट लेना है, ठीक है. बहुत सॉफ्ट स्मूथ और NVH जितना मैं यहाँ तक 80-85 km/h तक देख पाया हूँ. हल्की सी रोड नॉइज एंड, बट रोड नॉइज डिपेंड्स ऑन रोड कंडीशंस, टायर की मेक के ऊपर. बाकी ना इंजन की साउंड है और ना ही जो बाकी विंड नॉइज है वो गाड़ी के अंदर आती है. चलो अब अपने राइट में हाईवे है, यहाँ गाड़ी का थोड़ा सा चेक करेंगे हाई स्पीड स्टेबिलिटी एंड ब्रेक्स का. इसको स्पोर्ट्स में एक बार पिक करते हैं, पीछे कुछ नहीं है. पूरा खींचती है, RPM 1 बार मैं दोबारा देखना चाह रहा हूँ कि जैसे स्पोर्ट्स मोड में अगर लगातार खींचे तो फर्स्ट गियर जो है कितने RPM पे शिफ्ट होता है. जी नहीं नहीं कुछ नहीं, अभी 0.7 यानी 700 RPM के ऊपर है. मैंने पूरा एक्सीलेटर दबा रखा है. पहला चेंज हुआ 4000 पे गियर,
फिर से चार पे 4100 पे, और उसके बाद अगेन 4200 पे, और अभी है 100 km/h की स्पीड पे, ठीक है 105। तो जो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, कंट्रोल बहुत बढ़िया गाड़ी का, ठीक है। एक तो आपके पैर को ये इधर टच करते हैं तो थोड़ी सी ना, मतलब ऐसा रहता है हाँ कंट्रोल्ड सीधा बैठा है, मतलब खुला खुला पैर कई बार क्या होता है बहुत ही ज़्यादा इधर खुला स्पेस रहता ना तो फील नहीं होता। अब यहाँ पे ये टच कर रही है साइड में चीज़, तो पैर एकदम सटा के अपना रेस्ट करो, डेड पेडल है, राइट फुट से आपको गाड़ी ऑपरेट करनी है, ठीक है। आप ब्रेक देखेंगे, लेकिन इस गाड़ी को मैं ओवरटेक करूँगा और ज़्यादा हम दूर नहीं जाएंगे, अब यहाँ से यू टर्न लेंगे और अब 100 पे मैं इसके ब्रेक्स अप्लाई करके देखता हूँ। सो क्या कार है 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एट 110। बढ़िया, देखो दो चीज़ें हैं, बाइट बहुत ज़बरदस्त है ब्रेक्स का, दैट इज़ रियली इम्प्रेसिव। मुझे गाड़ी में बाइट होना मांगता है मतलब थोड़ा मुंबई साइड की मैं बात कर रहा हूँ, मांगता है बाइट का क्या होता है ना, जब हल्का सा भी ब्रेक पैडल प्रेस करते हो तो आपको आधा कंट्रोल तो गाड़ी वहीं दे देती है, कि जैसे बाइट आए आपकी गाड़ी वहीं स्लो हो गई, जो कि काफ़ी गाड़ियाँ मिस करती हैं। दूसरी बात किया कारेंस के ब्रेक्स में ये है, आवाज़ करते हैं नो डाउट, ABS वो हर गाड़ी की आवाज़ करते हैं, लेकिन गाड़ी रुकनी चाहिए वो चीज़ मैटर करती है, आवाज़ करो चाहे ना करो। तो हाँ गाड़ी, थर्ड चीज़, गाड़ी एकदम स्ट्रेट लाइन में रुकती है, इधर उधर नहीं जाती। मैंने 110 की स्पीड पे इसके ब्रेक लगाए हैं, तो हाँ ब्रेक्स मुझे गाड़ी के, जिस गाड़ी के ब्रेक्स बहुत अच्छे रहते हैं, एक्सेलरेशन अच्छा रहता है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। किया कारेंस इज़ वन ऑफ दोज कार्स कि मुझे अच्छी लगी, ब्रेक्स बहुत अच्छे लगे थे इसके। यू टर्न कहाँ से लेना है? चलो ठीक है, तब तक चलो हम थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हैं टेस्ट ड्राइव का और बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। थाई सपोर्ट सच में बहुत अच्छी है, बिलीव मी। और ये जो विंडशील्ड का एरिया है ये भी काफ़ी ज़्यादा है, बस बोनेट वाली विजिबिलिटी नहीं आपको नहीं मिलेगी इफ़ यू। चलो देखा ब्रेक्स का फ़ायदा, अचानक दिख गया तो मिरर में देख के घुमा दी। और 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है तो थोड़ा सा आपको फ़ायदा मिलेगा, जैसे सेल्टोस का 190 आता है तो 5 mm आपको उससे ज़्यादा ही मिलता है, ठीक है। स्टेयरिंग रिटर्नेबिलिटी अच्छी है, ज़्यादा स्पीड भी हमने नहीं किया। गाड़ी फुली फीचर लोडेड है, इस गाड़ी का मैंने एक डिटेल्ड रिव्यू किया था, गाड़ी एक जगह खड़ी करके सारे फीचर्स आई एक्सप्लेन इट, उस वीडियो का लिंक ऊपर है जाके देख लेना, ये प्योरली ड्राइविंग उसके ऊपर है, ठीक है। हाथ यहाँ पे रख सकते हो, एडजस्टेबल आर्म रेस्ट नहीं है, एल्वो रेस्ट जो भी आप इसे बोलना चाहें, लेकिन हाँ आराम से रखेंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि थोड़ा सा पीछे होना चाहिए था आगे होना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ बस इधर कोहनी, मतलब अगर स्टेयरिंग पे है तो इधर रेस्ट नहीं करना है, ठीक है, वो नहीं कर पाओगे। एक हाथ से चलानी है, बहुत ही रिलैक्स मोड में हो, रोड खाली पड़ा है तो रख सकते हो, सॉफ्ट है, ठीक है। हम टर्न के ऊपर ओवरटेक नहीं करेंगे, टर्न के ऊपर काफ़ी बार क्या होता है कि व्हीकल्स मिरर में ब्लाइंड स्पॉट में चले जाते हैं, काफ़ी बार मैं मोड़ के ऊपर अगर उसे ओवरटेक कराऊं तो मैं उसे दिखूंगा नहीं मिरर में, तो इस वजह से मोड़ पे ओवरटेक नहीं करना चाहिए, भले ही वन वे हो, या तो भाई अगर करना ही है तो फिर हॉर्न देके ताकि उसको पता लगे, ठीक है। जैसे जैसे गियर शिफ्ट करती जाती है ना तो ऐसा लगेगा, एक गियर में जैसे जितनी खींचनी चाहिए ना उसे हल्का सा डाउन फील होगी, मतलब डाउन मतलब ऐसा नहीं है कि भाग ही नहीं रही है, वो बात नहीं है, बट अगर 4000 RPM तक जा रही तो एक झटके से खींचनी चाहिए। और इसमें बोस का म्यूजिक सिस्टम आता है तो एंजॉय योर ड्राइव, 8 speakers आते हैं, गाड़ी ज़्यादा भगाओ मत, भगाओगे तो हाँ गाड़ी विल बी इन योर कंट्रोल, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं, ऑल 4 disc brakes के अंदर ही गाड़ी आती है। और इसमें जो टायर सेक्शन है दैट इज़ 20565R16, ठीक है। स्टेयरिंग हाई स्पीड के ऊपर ऑब्वियसली हार्ड हो गया था इसका, अब इसे हम मोड चेंज कर देंगे क्योंकि अब फ़ायदा नहीं है, तो हम चलेंगे अब इको मोड में, ठीक है। और इस कलर का जो नाम है दैट इज इंटेंस रेड, प्राइस लिस्ट आई थिंक इट गोज अराउंड 19.58 lakhs, और एक्स शोरूम की अगर मैं बात करूं जो कि ऑल इंडिया सेम है दैट इज 16,99,900। मुझे सबसे, चलो वीडियो वाइंड अप करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है इस वीडियो में, जो मैंने अच्छा, मेरा खुद का चलाने का बहुत मन था, ब्रेक्स बहुत अच्छे लगे, एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा है, सीटिंग कंफर्ट गाड़ी का बहुत अच्छा है, रियर स्पेस का भी मैंने देखा था अच्छा है, वो दूसरे वीडियो में मैंने बताया उसके बारे में इन डिटेल। गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है,
जैसे बताया था बोस का है। ये पूरा चूंकि कैमोफ्लाज है ताकि, क्योंकि टेस्ट मॉडल है, कस्टमर्स आते हैं कहीं स्क्रैच ना कर दें, तो पूरा कवर्ड है। अदरवाइज ये ब्लैक टेक्सचर जैसा सेल्टोस में आप देखते हो बहुत अच्छा लगता है। 10.25 इंचेस का स्क्रीन है इस गाड़ी में। सीट का जो साइड वाला सपोर्ट है ना, काफी बढ़िया, मतलब हिलते नहीं हो इधर उधर साइड में, जैसे टर्निंग के टाइम पे, कॉर्नरिंग के टाइम पे। ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दे रहा था यहाँ, बाकी साउंड नहीं करती गाड़ी। इंजन बहुत रिफाइंड है, ठीक है, पंची इंजन है। बस वही थोड़ा पेडल्स का ध्यान रखना व्हेन यू ड्राइव द कार। चलो वीडियो वाइंड अप करते हैं। थैंक्स टू नीरज जी, इन्होंने गाड़ी अवेलेबल कराई अपनी टेस्ट ड्राइव के लिए। थोड़ा सा ब्रेक भी लगाए, वरना अलाउड नहीं होता है कि टेस्ट मॉडल के साथ ऐसा हम चलाएं। थैंक्स टू नीरज अगेन, और शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। गाड़ी कैसी लगी, दोनों वीडियोज देख लेना, लिंक मिल जाएगा। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। लाइक कर देना, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।